नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हर साल 14 अप्रैल को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आज का दिन अंबेडकर समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस जयंती पर कई दिग्गजों ने भारतीय संविधान के पिता को श्रद्धांजलि दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दलितों के मसीहा माने जाने वाले और संविधान निर्माता अंबेडकर को आज देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। केंद्र सरकार ने भी आज के दिन को पूरे भारत में अवकाश की घोषणा की है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहब ने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। यह हमारे देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। पीएम ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में अंबेडकर के पूरे जीवन काल में उनके द्वारा दी गई सीख को बताया गया है और लोगों को उनके संदेशों के बारे में भी बताया गया है। बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, वे एक संकल्प का दूसरा नाम। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में अनेक प्राविधान किए। यही वजह है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा साहब की उपलब्धियों को जनता के सामने बताते हुए कहा कि अंबेडकर जयंती को मनाने के पीछे का कारण जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करना है। भारत के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब ने देश की प्रगति और तरक्की को नई दिशा देने के साथ साथ हमारे स्वतंत्र भारत को संविधान दिया है। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है जो आज हमारा देश पूरे विश्व में एकता की मिसाल कायम किए हुए है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश को भाईचारा और शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। आज के दिन ही 1891 में देश के एक अनमोल हीरे का जन्म हुआ था। कौन जानता था कि आगे चलकर ये बच्चा एक समाज सुधारक और संविधान के पिता के रूप में जाना जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस खास दिन पर बाबा साहब के जीवन से जुड़े कुछ किस्से जिससे समाज की नींव बदल गई। भारत के संविधान निर्माता समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में दलितों और दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कई काम किए थे। अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन, महाड सत्याग्रह, येवला की गर्जना आदि जैसे कई अहम आंदोलन भी चलाए जिसमें लोगों का काफी सहयोग प्राप्त हुआ। बाबा भीमराव अंबेडकर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि बाबा साहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारत के राज्य को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने की अवधारणा का भी विरोध किया और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की।
छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अंबेडकर का कहना था कि छुआछूत गुलामी से भी ज्यादा बदतर है। बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने की काफी कोशिशें की। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों द्वारा पेयजल के संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ अछूतों को भी मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए बेहद संघर्ष किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1950 के दशक में ही वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका चले गए। बौद्ध धर्म अपनाने के दौरान उन्होंने तकरीबन 22 प्रतिज्ञाएं ली। आज का दिन देश के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया था। यही वजह है कि अब देश ने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए आज का दिन अवकाश के रूप में घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए और कई लोगों के लिए कई काम किए हैं। अपना जीवन संघर्षमय बिताया, साथ ही उन पिछड़े लोगों के लिए कई काम किए, जिसकी वजह से आज हम सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।